हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्वीन। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू और सोयाबीन हरी मटर की रसीली सब्जी, जिसमें मेरी यह सामग्री है। मैं 10 आलू दी हूँ, जिसे मैं उबाल के और छोटा साइज में इस तरह से फोड़ ली हूँ। और ये सोयाबीन है, नेट्रोला कंपनी का 10 रुपये पैकेट देता है, वही मैं ला करके उसे अच्छी तरह से गर्म पानी में थोड़ा 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी। और उसके बाद मैं इसमें ठंडा पानी डाल के इसको 4-5 पानी से निचोड़ के निकाल के धो के इस तरह से मैं कर ली हूँ। इसका सारा गंदगी जो था सो निकल चुका है। और ये हरी मटर है, जिसे मैं छील के और इसे गर्म पानी में थोड़ा देर डाल दी हूँ। और नमक भी इसमें डाल दी थी, इसमें नमक भी घुल चुकी है। ये 2 मीडियम साइज का टमाटर ली हूँ, जिसे मैं पेस्ट बना ली हूँ। और ये प्याज है, 3 मीडियम साइज का प्याज है, जिसे मैं वेजिटेबल चॉपर में इस तरह से बहुत ही बारीक तरह से मैं वेजिटेबल चॉपर में कर ली हूँ। अब मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखिए, मेरी पैन जो है गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल आप कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये मैं पंचफोड़ना डाल रही हूँ, ये सूखी मिर्चा है वो डाल रही हूँ, ये तेजपत्ता है, इसे मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ। गैस का फ्लेम जो है ना हाई पे रखना है अभी। अब मैं इसमें ये प्याज भी बारीक डाल रही हूँ। ये 3 प्याज है मीडियम साइज का। इसको थोड़ा सा ब्राउन में फ्राई करना है। देखिए, अब जो है मेरी ये बारीक कटी हुई प्याज जो है अब ब्राउन होने ही वाली है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे भी मैं थोड़ा सा चला देती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ। देखिए, मेरी प्याज जो है अब ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डाल रही हूँ, इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट है, इसे भी मैं डाल रही हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक मैं डाल रही हूँ। नमक आप अपने अनुसार डालें, आपको जितना नमक खाना है। देखिए, अब मेरा टमाटर का जो पेस्ट मैं डाली थी वो भी अब इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें पाउडर डालूंगी। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाली हूँ और ये मिर्ची पाउडर डाली हूँ आधा चम्मच। ये जीरा पाउडर है जो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। और ये है धनिया का पाउडर जो मैं 2 चम्मच डालूँगी। तीखा जो है आप अपने अनुसार डालें, आप जितना खाते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगा। अब इसे भी मैं फ्राई करूँगी। अब मैं मसाला को तब तक फ्राई करूँगी जब तक अच्छी तरह से पक ना जाए और तेल ना छोड़ दे। और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी आधा चम्मच डाल रही हूँ।
भी मैं अच्छी तरह से चला देती हूँ। और ये देखिए मेरी मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तेल भी छोड़ दिया। अब मैं इसमें दो लौंग और दो इलायची को बारीक कूट ली हूँ, उसे भी मैं डाल रही हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरह से चला लेती हूँ। अब मैं इसमें हरी मटर जो है वो भी मैं डाल रही हूँ। और ये सोयाबीन है इसे भी मैं डाल रही हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरह से चला के फ्राई कर लूँगी। इसी मसाला में ये भी फ्राई हो जाएगा। और ये जो है आलू ये भी मैं इसी में डाल रही हूँ। ये भी मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, स्वाद के अनुसार डालना है आपको, जितना नमक खाना है उसी अनुसार। और इसे मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। देखिए अब मेरी जो है सब्जी अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है सारे कुछ। अब मैं इसमें गरम मसाला 1 चम्मच डाल दूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये सब्जी। आप भी इसी तरीका से बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट सब्जी लगेगा खाने में। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ये देखिए मैं 1 गिलास पानी ली हूँ, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। इसमें और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसे लो फ्लेम पर थोड़े देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। मेरी सब्जी जो है आधी पक चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा मेथी का पत्ता जो है ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे थोड़े देर के लिए ढक दूँगी 2 मिनट के लिए। देखिए मेरी सब्जी जो है अब अच्छी तरह से हो चुकी है। और मैं इसे गैस का फ्लेम को ऑफ करके मैं इसे एक प्लेट में सर्व करूंगी। देखिए मैं सब्जी को सर्व कर चुकी हूँ। मेरी सब्जी कितनी स्वादिष्ट है, कितनी अच्छी लग रही है। आप भी इस तरह से सब्जी बनाएं और खाएं और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।